यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 12 जून को लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल का उद्घाटन करना है, लेकिन इससे एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे अपने सरकार की उपलब्धि बताकर इसका उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर सपाइयों ने जश्न मनाया और लोगों को मिठाइयां भी बांटी। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झूठे वादे नहीं चलेंगे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि आलमबाग बस स्टेशन का नाम कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बस स्टेशन था। 2012 में जब प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनी तो इसको तोड़कर नया बस अड्डा बनना शुरू हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी लाइव टीवी।